नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा ना बढ़े, इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त उपाय कर रही है। ऐसे में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है। वहां से आने वाले यात्रियों को कोरोना की RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट या फिर टीके की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इन दोनों में से कोई एक अभिलेख दिखाने पर ही उन्हें यूपी में आने की इजाजत होगी। पिछले 4 दिनों में कराई गई कोरोना की जांच रिपोर्ट ही मान्य होगी। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि 24 जुलाई से प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू होगी। सभी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी। जिन 11 राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3% से अधिक है, उनमें महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश शामिल है। प्रदेश में 80,000 से अधिक निगरानी कमेटियों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि वह बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखें। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले तो उससे स्वास्थ्य विभाग को जरूर अवगत कराएं। तो कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सख्ती लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि जो भी लोग बाहर से आएंगे उनकी RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी पूर्ण रूप से अनिवार्य किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 4 दिन पहले की रिपोर्ट ही मान्य होगी। अगर उससे पहले का समय अवधि का कोई भी रिपोर्ट पाया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। आपको बता दें कि राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3% से अधिक है, उनमें कई नाम शामिल हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। वहीं प्रदेश में 80,000 से अधिक निगरानी कमेटियों को भी इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि वह बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखें। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले तो उससे स्वास्थ्य विभाग को जरूर अवगत कराएं। वहीं दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। संसद के मॉनसून सत्र तक उनका प्रदर्शन बृहस्पतिवार से 9 अगस्त तक चलेगा। यहां सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की छूट मिलेगी। 5 बजे के बाद वह सिंघू बॉर्डर पर लौट जाएंगे। उधर खालिस्तान समर्थक गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के युवाओं व किसानों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले को 5 जोन में बांटकर हर जोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपायुक्त स्तर के पुलिस अधिकारियों को दे दी है। तो किसान आंदोलन जिस तरह से होने वाला है, इसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा और वहां पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही अगर बात की जाए कोरोना प्रोटोकॉल की तो उसको देखते हुए यह अनुमति दे दी है। संसद के मॉनसून सत्र तक उनका प्रदर्शन लगातार आपको बता दें कि जारी था और वही बृहस्पतिवार से 9 अगस्त तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबह से ही सुरक्षा की बात की जाए तो उसके भी पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में आज जासूसी कांड पर IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। कांग्रेस का इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान है। साथ ही राज्यसभा में पेगासस और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत के मामले पर हंगामे के आसार हैं। पेगासस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि लोग जानना चाहते हैं कि किस संस्था या व्यक्ति के माध्यम से अवैध तरीके से फोन हैगिंग किया गया है और सूचनाएं बटोरी गई है। कांग्रेस इसे लेकर देश भर में आंदोलन करेगी। कुछ छिपाने को नहीं है तो सरकार को विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जांच करानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्र स्तर पर बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है और हरा सकता है तो वो कांग्रेस है।
वहीं देश के अधिकतर राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग अगले दो घंटे में दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की उम्मीद जता रहा है। IMT के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जींद, रोहतक, कैथल और रेवाड़ी समेत कई इलाके, उत्तर प्रदेश के कासगंज और मथुरा समेत कई जिले और राजस्थान के भरतपुर में अलग अलग स्थानों पर अगले दो घंटे में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। यही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि रविवार को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद अगले सप्ताह फिर बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि कई दिनों तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि IMD के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जींद, रोहतक, कैथल और रेवाड़ी समेत कई इलाके, उत्तर प्रदेश के कासगंज और मथुरा समेत कई जिले और राजस्थान के भरतपुर में अलग अलग स्थानों पर अगले दो घंटे में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश होगी। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह बताया है कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि रविवार को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और इसके बाद अगले सप्ताह फिर बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि कई दिनों तक जारी रहेगा। तो पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां भी बारिश के आसार जो हैं वो जारी रहने वाले हैं। लगातार मौसम विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। कई राज्यों को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई राज्यों को ये बताया गया है कि वहां पर बारिश होने की संभावना काफी तेज है। अगर 3 दिन की बात की जाए तो 3 दिनों में बारिश लगातार होगी, उसके बाद मौसम साफ होने के आसार लगातार मौसम विभाग बता रहा है। आपको बता दें कि मथुरा और राजस्थान समेत कई ऐसे जगह है जहां पर बारिश होने की ज्यादा संभावना लगातार जताई जा रही है। तो उत्तर भारत में तीव्रता बारिश की घट सकती है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। अगर बात की जाए थोड़े टाइम पहले की तो लगातार बारिश हो रही थी, कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया और कई राज्यों में बारिश को लेकर कई तरह के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में शामिल और फिरौती की मांग करने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह घायल हो गया। आपको बता दें कि थाना जगनेर के कचपुरा क्षेत्र में मुठभेड़ में अपने एक साथी के साथ मारा गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान SSP आगरा और SP वेस्ट और अन्य अधिकारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी थी। पुलिस टीम के 2 सदस्य भी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण की साजिश धौलपुर के बदमाश बदन सिंह ने रची थी। उसके साथ ही युवती संध्या ने अंजलि बनकर डॉक्टर से बात की थी। उसने नौकरी के बहाने नौकरी दिलाई गई और आपको बता दें कि इसके बाद अगवा कर ली गई थी। डॉक्टर को 31 घंटे के बाद ही पुलिस ने मुक्त करा लिया था। थाना जगनेर क्षेत्र में SHO जगनेर अपना फोर्स के साथ जगनेर चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। उस समय वहाँ पे एक मोटरसाइकिल में 2 लोग जा रहा था, उनको रुकने के लिए प्रयास किया। वह रुकने के लिए प्रयास करते समय दोनों लोग बहुत तेज से आगे बढ़ा मोटरसाइकिल में और SHO पीछे पड़ा। वो बैरियर तोड़ के आगे भाग रहा था, पीछे भी SHO जगनेर भी पीछे पड़ा। उन्होंने कंट्रोल रूम का मैसेज दिया, कंट्रोल रूम से मैसेज इसने दिया कुछ लोग संदिग्ध लोग आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पड़ रहा हूँ, आगे बसे जगनेर का SHO को बता दो और जनपद में चारों तरफ बता दो, ये कहीं भी निकल सकता है, इन लोगों का चेकिंग करना है। उन्होंने आदेश किया था, उन्होंने कंट्रोल रूम का रिपोर्ट दिया था। मैं भी कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली थी। मैं भी आज IG रेंज मोगदिया का
आदेश था आज 9 बजे से जनपद का सभी बार सील करके चेकिंग होना है, जनपद का अंदर भी चेकिंग होना है, उसके SSP स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, हर चेकिंग पॉइंट चेक करना है, इसे निर्देश था। मैं भी चेकिंग कर रहा था रास्ते में, कहाँ कहाँ चेकिंग हो रही है, किस थाना क्षेत्र में कैसे चेकिंग हो रहा है, उसके मैं भी रास्ते में निकल रहा था, मैं भी चेक कर रहा था, उस सूचना मिलते हुए मैं भी तुरंत उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, और जाते समय मैं भी देखा वहाँ पे कोई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे हम भी आगे बढ़ा, और हम आगे बढ़ते हुए और हम लोग गाड़ी के सामने हम नजदीक देखा, SHO जगनेर की गाड़ी लगी दिखाई पड़ा मुझे, उसके आगे हम सामने से बसई जगनेर से एक पुलिस की गाड़ी आई थी, और उस गाड़ी देखते हुए जो बदमाश हमारा सामने दिखाई पड़ा, हमारा गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल तेज जा रहा था, तुरंत उसने अचानक खचपुरा जंगल की तरफ गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ा है, हम भी उसी तरह का मोड़ा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ममता भारद्वाज जुड़ चुके हैं। तो ममता, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश 1 लाख का जो है वो उसकी मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पुलिस और बदमाशों की जो मुठभेड़ हुई है, जो लगातार आगरा में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और पुलिस एक कामयाबी की ओर है, और बराबर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ होती है और एक कामयाबी हासिल होती है, इसी तरह से आज एक 1 लाख का जो इनामी बदमाश था, जो थाना एडमोदला के क्षेत्र विद्या नर्सिंग होम के जो डॉक्टर उमाकांत के अपहरण की जो घटना उसने घटित की थी, वो आज मुठभेड़ में आज मारा गया है, उसका साथी भी एक उसके साथ मारा गया। वही मुठभेड़ के दौरान जो अधिकारी हैं उनके भी ब्लड प्रूफ गियर के जैकेट है, जो उसमें भी गोली पड़ी है, तो वो इस तरह से बच गए हैं। बाकी 2 लोग पुलिस के जो कर्मी हैं वो घायल हो गए हैं। तो इस तरह से ये जो 9 बजे जो रात्रि का जो समय था, उसमें चेकिंग के दौरान, चेकिंग का आदेश था IG सर का, तो उसके दौरान इन्होंने चेकिंग के दौरान ये 2 बदमाश हैं जो मुठभेड़ में जो मारे गए हैं, तो धराशायी हो गए हैं। तो जिस तरह से पुलिस का ये जो कार्य है, जो बिल्कुल आगरा के अंदर बदमाशों के लिए एक चुनौती हो गया है कि अगर ये बदमाश इस तरह की कोई भी घटना घटित करते हैं तो उनको उसकी मुंगी खानी पड़ेगी। बिल्कुल ममता, अगर बात की जाए आपराधिक रिकॉर्ड की, तो क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर सामने निकल कर आया है, कितने आपराधिक चीजें जो है वो खुलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये बदमाश अपराध करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो खौफ था, जो पहले जो खौफ नहीं था, जो अब ये खौफ इनके अंदर बन गया है, जो अब पुलिस के द्वारा बैठा दिया गया है कि अगर अपराध करेंगे तो ये सारी चीजें आपको इस तरह की मूवी खानी पड़ेगी, और बराबर अपराधों पर अंकुश भी लग रहा है, तो इस आगरा पुलिस के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। जी ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया गया कि कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं मौके पर जब ये मुठभेड़ हुई है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है, कौन कौन से अधिकारी उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि ये बड़ी घटना हुई है, हालांकि काफी मायने रखता है 1 लाख का इनामी बदमाश जिस तरह से मुठभेड़ में ढेर हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आजी आगरा IG रेंज का जो आदेश था 9 बजे से लेकर चेकिंग करने का सभी पॉइंटों पर, आगरा के सभी पॉइंटों पर, तो इसी के दौरान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे आगरा SSP, तो आगरा SSP भी वहां मौजूद थे, क्षेत्र के SP बैस भी वहां मौजूद थे, और जहां ये मुठभेड़ हुई है तो वो थाना जगनेर बताया जा रहा है, तो जगनेर में भी सारा जो जो इंस्पेक्टर थे वो भी मौजूद थे, और SOC टीम, और इसी तरह से ये संयुक्त तो पूरी ये टीम थी जहां ये सब लोग मौजूद थे, SSP और IG और ये सारे लोग, सारे अधिकारी वहां मौजूद थे उस मुठभेड़ के समय। जी ममता, क्या पुलिस टीम की अगर बात की जाए, तो क्या पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हुए हैं कई, क्योंकि जिस तरह से जो संख्या की बात है वो 2 पुलिसकर्मी बताए गए हैं, लेकिन क्या आपके पास इसको लेकर कोई पुष्टि सामने आई है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी जो अपडेट आ रहा है, जो उसके हिसाब से तो 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो चुके हैं, बाकी पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, जो कचपुरा का जो जंगल था वहां वो घुस रहे थे उस जंगल के अंदर, तो उस चारों तरफ से जंगल को घेर कर पूरी टीम ने जो बदमाशों ने फायरिंग की, तो बदमाशों पर बदमाशों के बाद में पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की है, तो बदमाशों की जो फायरिंग के से जो अधिकारी हैं उनके जो फायरिंग से गोली लगी है, लेकिन जो लेकिन ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए के कारण
वो बच गए हैं, लेकिन दो जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो उनके गोली लग गई है। जी, क्या कुछ बरामद हुआ है पुलिस को, क्या कुछ ऐसा अपडेट मिल पा रहा है या किसी चीज की पुष्टि हुई, क्योंकि बड़ी चीज है ये, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस को जो आरोपी थे मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं जो, क्या कुछ पुलिस को बरामद भी हुआ है उनके पास से? जी बिल्कुल, उनके पास से अवैध असले बरामद हुए हैं और उसके जो एक बाइक थी और एक बैग था, ये सारी चीजें उनसे बरामद हुई हैं। एक को जी ममता, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में ये जो बदमाश थे वो शामिल थे और साथ ही साथ फिरौती की मांग कर रहे थे, इसी को लेकर 1 लाख का इनाम भी इनको इन पर घोषित था, तो क्या इसके अलावा भी कुछ एक बड़ा रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो क्या कुछ बड़ा रिकॉर्ड और भी था इन आरोपियों के खिलाफ? जी बिल्कुल, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो उनको ये पहले से भी कई अपराधों में ये वांछित चल रहे थे, कई केसों में ये वांछित चल रहे थे, तो इस तरह से जो ये घटना हुई है तो इन्होंने इस बार बराबर इनको एक ढील मिलती जा रही थी तो बराबर ये घटनाओं को खारिज करते जा रहे थे, लेकिन इस बार इनके पास इनके ऊपर एक ऐसा शिकंजा कस दिया गया SSP आगरा मुनिराज के द्वारा जो कि ये मुठभेड़ के दौरान ही ढेर हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रात 9 बजे करीब ये मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारी संवाददाता ममता ने जिस तरह से बताया है कि ये जो पूरा मामला था वो डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण से जुड़ा हुआ था, इसमें ये जो आरोपी थे वो शामिल थे और फिरौती की मांग करने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह जिसका नाम था वो घायल हुआ है, उसकी जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान SSP आगरा और SP वेस्ट और अन्य अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी थी, वहीं पुलिस टीम के 2 सदस्य भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री यूपी को एक साथ सिद्धार्थनगर समेत 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर तोहफा प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे और इस मंच पर सूबे के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज समेत जिन 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा उनमें देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हरदोई और एटा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर का लोकार्पण भौतिक व अन्य 8 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण वर्चुअली तरीके से करेंगे। वहीं जालौन में नंदीगांव ब्लॉक में आयोजित समारोह में ब्लॉक प्रमुख को ADM अंकुर कौशिक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान बतौर अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा वर्चुअल उपस्थिति में रहे और इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये हमारा प्रमुख दायित्व है कि जनता के भरोसे पर खरा उतरे और क्षेत्र के विकास में अपनी महत्व भूमिका भी निभाए। नंदीगांव की गल्ला मंडी आयोजित कार्यक्रम में ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चंदन सिंह पाल, JDC बैंक के अध्यक्ष उदय सिंह पिंडारी, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति बंसल, चेयरमैन भानु प्रकाश वर्मा आदि के आतिथ्य में आयोजित शपथ ग्रहण किया गया। समारोह में इलाकाई लोग की भारी भीड़ के बीच नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अर्जुन सिंह परिहार को अपराह्न 2 बजे SDM अंकुर कौशिक ने शपथ दिलाई। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर आज सोनभद्र जिले में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में घेरावल विधानसभा के जैत गांव में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल लेकर पैदल चलते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर के साथ महंगाई को तत्काल कम किया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ रही कीमतों को कम करने के लिए प्रदर्शन को जारी रखने की बात कह रही है। बकरीद का त्यौहार भी फीका रहा होगा क्योंकि जो महंगाई है वर्तमान समय में हर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, उसका एक्सपेंसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं और इनकम उसकी घटती चली जा रही है। इससे चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति परेशान है।
क्योंकि लोगों की इनकम ग्रोथ घटी है। और आप देखिए तो रोजगार युवाओं को अगर हम बात करें तो पूरे देश का जो है वही। अगली खबर रायबरेली से, जहां खेत में धान लगाने जा रहे लोगों पर आकाश बिजली गिरने से दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में भर्ती करा दिया गया है। वह इस घटना से गांव के लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल घायलों का अस्पताल इलाज में, आपको बता दें कि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो आकाश बिजली लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। आपको बता दें कि आकाश बिजली गिरने से दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस घटना से गांव को लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और हालत इनकी स्टेबल है, पर ऐसी सूचना भी है कि वहां तीन और लोग खत्म हो गए उसी। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।